तो फाइनली शादी का फाइनल ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग होगा। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा और खूब सारी विशेस दीजिएगा यशी को। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो तक आपने यहाँ तक देखा था, तो ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो ये प्लेन वाला पिज़्ज़ा बन रहा है, जो कि सूर्यांशी वगैरह वेजिटेबल्स नहीं खाती हैं, तो इनके लिए प्लेन बनवा रही हूँ, तो उसके लिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा। बाकी ये सब वेजिटेबल्स वाले हैं, तो ये बना रहे हैं सब लोग। तो अब मैं उस साइड जाती हूँ जहाँ पर मिल रहा है। तो अब ये तंदूर होगा, स्टीम मतलब वो हीट होगा, हीट होने के बाद यहाँ से मिलेगा। तो बस यहाँ पे आ गए हैं, सादा वाला आ चुका है और यहाँ पे निकल गया है सूर्यांशी का मांग का टीका। तो ये मैंने टॉप से बनाया था, मेरी जो इयररिंग्स थी आपने देखे होंगे पिछले वीडियो में, पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, तो उसी से मैंने फोल्ड करके पीछे से बना दिया था इसका मांग टीका। बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे आ गए ये पंजाबी ढाबे, ये बढ़िया है। रोटी छोले क्यों ले लिए? ले लिया। एक्चुअली इसके बीच का वीडियो काफ़ी मिस हो गया है, तो वो मुझे मिल जाएगा। मैं एक्चुअली मुझे कहीं स्टोर कर रखा है, वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा जब तक आपको ये वीडियो शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2:30 बज चुका था, तो बस खाना हट ही रहा था, बस यशी और मतलब ससुराल वाले और मायके वाले मिल करके खाना खा रहे थे साथ में। तो वहाँ पे लगा हुआ है टेबल, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये ढाबा लगा था पंजाबी ढाबा, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पर खाना ले रहे हैं, तो वहाँ से इन्होंने रोटी ली है, छोले लिए, और यहाँ से थोड़ी सी पनीर की सब्जी और एक पूड़ी ली है। तो बस खाना खाने जा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। रात के 1:30 से ज़्यादा हो रहा है, तो सारे चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, अब विवाह बाकी था। तुमने कहा चलो बच्चों को भी कुछ खिला देते हैं। बच्चों ने सिर्फ पिज़्ज़ा खाया था, और छोटी वाली ने तो आज दूध भी नहीं पिया, दूध बनवा के लाए थे लेकिन इन्होंने पिया ही नहीं, और काफ़ी वेस्ट किया इन्होंने। तो क्योंकि ये खाना नहीं खाती हैं, तो इनको बस ये थोड़ा सा खिला देंगे। तो बस यही एक बाइट ली थी इन्होंने और खाना खाया ही नहीं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखिए सामने पंजाबियों का ढाबा जो लगा हुआ था स्टॉल, वहाँ पे लोग खा रहे हैं सरसों का साग वगैरह। और यहाँ पे जो कैमरामैन वगैरह नहीं थे, जो स्टूडियो वाले, वो भी बैठ के खा रहे थे, क्योंकि सब पंजाबी थे और सबका फेवरेट खाना लगा हुआ था। सब बैठ के आराम से खटिया वटिया पे बैठ कर के खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने भी आपको दिखा रही हूँ, मैंने भी मैं आपको दिखा दिया था यहाँ का मेन्यू। तो वहाँ पे खाना लग रहा है दूल्हा दुल्हन के लिए, तो इसलिए वो वहाँ पे अच्छे से फ्राई कर रहे हैं फिर से। और ये लगा ली मैंने प्लेट अपनी, तो ये देखिए ये दम आलू है, ये शाही पनीर है, और दाल मखनी है, ये पुलाव है वेज मशरूम वाला, और ये मटर पुलाव जो बनता है वो वाला है, और इसमें इसमें पनीर कीमा है, कुछ मिक्स वेज है, और ये पनीर की कोई दूसरी डिश है, और ये क्या है, ये भी ये तवे की गोभी है। तो खाना बहुत अच्छा था और तवे की गोभी बहुत टेस्टी थी, मैंने खाई। फिर सूर्यांशी को 1-2 बाइट खिलाई थी, उसके बाद आइसक्रीम खाकर बच्चों ने पेट भर लिया। मुझे भी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी, सब खासकर वो मैंगो वाली आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी, अंदर उसमें जेली टाइप की टॉफियाँ भी निकल रही थी, बहुत अच्छा फ्लेवर था वो। तो बस खा के फिर आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी लेट हो गया था, आप समझ लीजिए खाना लगभग सभी ने खा लिया था, कुछ ही लोग रह गए थे जो मेन थे, बस वही खा रहे थे। और बच्चों को यदि कि मौसी की बहू भी वहाँ पे, और ये गए आइसक्रीम लेने बच्चों के लिए, तो कह रहे हैं आइसक्रीम हट गई है, आइसक्रीम ख़त्म हो गई है। मैंने कहा नहीं, बच्चों को नहीं देगा तो किसको, बूढ़ों को देगा? ठीक है, ये टेस्टी बना है गोभी तवे की, बहुत टेस्टी थी, मैंने खाई तो मुझे अच्छी लगी। ए हे प्यार देखिए, अब बाबू तुम भी खा लो पूर्ती, नहीं खाओगे? तुम्हें दीदी खिला रही थी, खा लो। देखो अब वो अंशी को खिला रही है, ये लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, अब मत खिलाओ, अब नहीं खाएगी दीदी। क्या वो खाएगी नहीं? उसका थोड़ी दी थी। तो रख दो, मैं खा लूंगी। चलो एक बोतल पानी।
यहाँ पर यशी और यशी की फैमिली देखिए खाना खा रही है दूल्हा दुल्हन, तो बस यहाँ पे फाइनली वो खा लेंगे। तो ये अंकल हैं और आंटी जी, हम लोग एक ही रूम में रुके हुए हैं, तो बस जा रहे हैं। दो बज चुका था और चाबी दे रहे थे लेकिन कहा कि नहीं, हम लोग साथ में चलेंगे। तो अच्छा भी है, हम लोग एक ही गाड़ी से आराम से चले जाएंगे। तो बहुत अच्छे थे ये अंकल आंटी, लग ही नहीं रहा था कि अनजान इंसान यहाँ पे रह रहा है। सभी लोग आराम से उस रूम में थे और ये लोग, मतलब ये अंकल आंटी जो है थोड़ा लेट आए थे, मतलब पूरी फंक्शन में नहीं अटेंड किया है इन्होंने, ये कल ही आए थे जब वहाँ पे चूड़ा वगैरह की रस्म हो रही थी, उसके बाद ही आए थे दोपहर में, तो बस उसके बाद आए थे। और चलिए चलते हैं, हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और इसके बीच का जो वीडियो है, जो मेन वीडियो है जयमाल से लेकर, आपका पूरा वीडियो आपको कल मिलेगा। इसके ब्लॉग में आपको पूरा वीडियो तो मिलेगा और बहुत ही खास वीडियो है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो का इंतजार करिएगा और वीडियो को अपना टाइम दीजिएगा, वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, लेते हैं विदा आप सबसे। मिलते हैं अच्छे से न्यू से वीडियो के साथ, और विवाह का मेन वीडियो देखने के लिए कल का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, कल का वीडियो मेन वीडियो होगा। इसी के साथ टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट फ्रेंड।